सब्सक्राइब कीजिए टेक फॉर सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का हमारे चैनल पे फिर से एक बार। और फ्रेंड्स, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे एक बार माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं यूट्यूब पे आ पा रहा हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आज का इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ऑटोमोबाइल के इंटरव्यू में या वाइवा में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स देखे हों, आप लोग थंबनेल में देखे ही होंगे कि पूरे 101 क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो बिना देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत जनरल क्वेश्चन है जो किसी भी चीज़ को इंटरव्यू कह लो या वाइवा कह लो स्टार्ट करने से पहले ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अच्छा यही होगा आप लोगों के लिए कि आप लोग वाइवा के लिए जा रहे हो या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो इंटरव्यू में अगर आपसे योरसेल्फ पूछा गया तो योरसेल्फ में बेसिकली आपको आपका अपना नाम, खुद का नाम बताना है और अपना आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो बताना है, आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बताना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो बता के ख़त्म कर देना है। उसके बाद अगर वो कुछ पूछते हैं फर्दर तो फिर आपको उसका जवाब आगे देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ऑटोमोबाइल। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब ये होना चाहिए कि एन ऑटोमोबाइल इज ए सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल ड्रिवन बाय एन इंटरनल कंबसन इंजन एंड इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स ऑन ग्राउंड। इसमें आप देख सकते हैं कि चार इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। पहला कि ऑटोमोबाइल उसी को बोल सकते हैं जो सेल्फ प्रोपेल्ड हो, मतलब खुद से चलता हो। दूसरा कंडीशन ये है इसमें कि जिसमें इंटरनल कंबसन इंजन हो या कह लो इंजन हो। तीसरा कंडीशन है जो पैसेंजर और गुड्स को लाने और ले जाने के काम में आता हो और जो ग्राउंड में चलता हो, यानी कि जो रोड में चलता हो। तो ये चार ऑटोमोबाइल का इंट्रोडक्शन में ये चार कीवर्ड होते हैं और मैं ये चार कीवर्ड आप लोगों को याद इसलिए रखने बोल रहा हूँ क्योंकि वो आगे काम आने वाले हैं और क्या काम आने वाले हैं वो आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल अभी आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इज एरोप्लेन इज एन ऑटोमोबाइल। क्या एरोप्लेन ऑटोमोबाइल है? अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स कि एरोप्लेन जो है वो ऑटोमोबाइल नहीं है क्योंकि इसमें इंजन तो है। पहला मेरा कंडीशन, क्योंकि ऑटोमोबाइल का डेफिनेशन में के मुताबिक हम देखें तो ये सेल्फ प्रोपेल्ड तो है, ये स्वतः तो चलता है। दूसरा है ये इंटरनल कंबसन इंजन तो इसमें भी है, ये पैसेंजर और गुड्स को लाने और ले जाने में काम भी तो आता है, लेकिन ये चौथा कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है कि ये जो ग्राउंड पे चलता हो, मतलब जो रोड पे चलता हो, लेकिन एरोप्लेन एयर में ट्रेवल करता है। तो इसी वजह से एरोप्लेन को हम ऑटोमोबाइल में नहीं गिन सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, इज शिप इज ऑटोमोबाइल। ये आप लोग भी खुद से ही अब बता सकते हैं कि यार शिप जो है वो ऑटोमोबाइल है या नहीं है। तो ऑटोमोबाइल होने के लिए ये चार कंडीशन आप लोग को याद रखना चाहिए और इस हिसाब से देखें तो शिप भी ऑटोमोबाइल नहीं है क्योंकि शिप जो है वो वाटर पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई कार इज एन ऑटोमोबाइल। कार ऑटोमोबाइल क्यों है? तो कार जो है वो ऑटोमोबाइल इसलिए है क्योंकि आप लोगों को भी अभी तक पता चल गया होगा, क्योंकि कार जो है वो रोड पे ट्रैवल करता है और ये सेल्फ प्रोपेल्ड भी है। दूसरा कंडीशन ये इसमें इंजन भी है और तीसरा कंडीशन कि ये गुड्स और पैसेंजर को भी ले जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फायरिंग ऑर्डर ऑफ फोर सिलेंडर इंजन। फोर सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या होता है? तो इसका आंसर है 1 3 4 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज पेयरिंग ऑर्डर ऑफ फोर सिलेंडर इंजन? तो फोर सिलेंडर इंजन का पेयरिंग ऑर्डर क्या है? तो इसका आंसर है 1 4 3 2, याद रखिएगा 1 4 3 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंजन, इंजन किसको बोलते हैं? तो इंजन का डेफिनेशन मैं बता दूँ, एंड इंजन इज ए मशीन डिजाइन टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे कि ऑटोमोबाइल में जो है वो हम लोग केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और फर्दर हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वो कैसे, तो वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि पेट्रोल या डीजल आप ले लें, वो क्या है, एक तरह का केमिकल है। उसको हम लोग इंजन के द्वारा क्या करते हैं, सबसे पहले हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद वो फाइनली कन्वर्ट हो जाता है मैकेनिकल एनर्जी में, और उस मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग यूज़ करते हैं गाड़ी को आगे फ्लो करवाने में। तो इस तरह से नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी 10 पार्ट्स ऑफ द इंजन। इंजन का कोई 10 पार्ट्स का नाम बताना है। तो आप बता सकते हैं पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, टैपेट कवर, वाल्व, रोकर आर्म, टाइमिंग बेल्ट, कैमशाफ्ट, सिलेंडर ब्लॉक, ऑयल फिल्टर, गैस्किट, ऑयल कैन। इसके अलावा भी इंजन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो कि आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट किसको बोलते हैं? तो फ्रेंड्स, क्रैंकशाफ्ट जो है वो इंजन का एक पार्ट्स है, और यह एक रोटेटरी डिवाइस है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है लीनियर मोशन को को रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वाल्व ओवरलैप, वाल्व ओवरलैप किसे बोलते हैं? तो वाल्व ओवरलैप जब जब दो वाल्व, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व, दो ही वाल्व होते हैं इंजन में, तो जब दोनों वाल्व एक साथ खुला रह जाते हैं तो उस पीरियड्स को बोलते हैं वाल्व ओवरलैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वाल्व क्लियरेंस, तो गैप बिटवीन द टॉप ऑफ द वाल्व एंड रॉकर आर्म बाय विच इट इज प्रेस्ड, मतलब कि वह स्मॉल गैप को बोलते हैं जो वाल्व का टॉप और रॉकर आर्म के बीच होता है, उसी को हम लोग वाल्व क्लियरेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स टीडीसी, टीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? टॉप डेड सेंटर। टीडीसी कहते किसको हैं? तो टीडीसी उस लाइन को कहते हैं जहाँ तक सिलेंडर लास्ट मैक्सिमम मूव कर सकता है, उस लाइन को हम लोग उस एरिया को हम लोग टीडीसी कहते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है बीडीसी, बीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बॉटम डेड सेंटर, और बॉटम डेड सेंटर कहते किसको हैं? तो पिस्टन जहाँ तक लास्ट नीचे बॉटम में मूव कर सकता है उस लाइन को हम लोग बीडीसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेप वॉल्यूम, तो स्वेप वॉल्यूम किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्वेप वॉल्यूम, स्वेप वॉल्यूम किसे कहते हैं? तो टीडीसी और बीडीसी के बीच का जो वॉल्यूम है जहाँ पे पिस्टन मूव करता है उस पूरे वॉल्यूम को हम लोग स्वेप वॉल्यूम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम किसे कहते हैं? तो स्वेप वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम को मिला देने के बाद जो पूरा वॉल्यूम क्रिएट होता है उसको हम लोग टोटल वॉल्यूम कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम किसे कहते हैं? तो टॉप डेड सेंटर और सिलेंडर का सबसे टॉप भाग के बीच में जो कैप बचता है उसी को हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंबसन चैम्बर, कंबसन चैम्बर किसे कहते हैं? तो कंबसन चैम्बर उस एरिया को कहते हैं इंजन का जहाँ पे दहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और दहन कहाँ पे होता है फ्रेंड्स, मैं ये बता दूँ कि क्लियरेंस वॉल्यूम जहाँ पे होता है उसी जगह पे दहन होता है, दैट मीन्स कि क्लियरेंस वॉल्यूम को ही कंबसन चैम्बर हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ पिस्टन रिंग, पिस्टन रिंग के कितने टाइप्स होते हैं? तो जैसा कि आप लोग सब जानते ही होंगे पिस्टन रिंग के दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है ऑयल कंट्रोल रिंग, दूसरा होता है कंप्रेशन रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्किंग ऑफ ऑयल कंट्रोल रिंग, ऑयल कंट्रोल रिंग का क्या काम होता है? तो ऑयल कंट्रोल रिंग का काम
ऑयल को लीकेज, ऑयल का जो लीकेज है उसको रोकना होता है। मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। मान के चलिए मोबिल जो है, ऑयल तो मोबिल को ही बोलते हैं, मोबिल जो है नीचे से स्प्रे हो रहा है, वो मोबिल जो है वो कंबसन चैम्बर में ना चला जाए, इसी के लिए हम लोग पिस्टन लगा के रखते हैं, सॉरी पिस्टन में ऑयल कंट्रोल रिंग लगा के रखते हैं, और ऑयल कंट्रोल रिंग जो है वो मोबिल को कंबसन चैम्बर में जाने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्किंग ऑफ कंप्रेशन रिंग। कंप्रेशन रिंग का क्या काम होता है? तो कंप्रेशन रिंग जो है वो पावर स्ट्रोक के दौरान बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है कंबसन चैम्बर में, पिस्टन के अंदर और सिलेंडर के अंदर। वो प्रेशर जो है वो लीक ना हो जाए नीचे सिलेंडर वाल से होते हुए, इसी के लिए हम लोग वहाँ पे पिस्टन में कंप्रेशन रिंग लगा कर रखते हैं, ताकि वो प्रेशर जो है वो नीचे लीक ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ बोर। तो बोर हम लोग सिलेंडर के इंटरनल डायमीटर को हम लोग बोर बोलते हैं। मान के चलिए एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर का जो इंटरनल डायमीटर होगा उसको हम लोग बोर बोलते हैं। व्हाट इज़ ट्रांसमिशन सिस्टम। तो ट्रांसमिशन सिस्टम हम लोग किसे कहते हैं? तो ट्रांसमिशन सिस्टम एक सिस्टम है जहाँ पे जिसमें हम लोग इंजन का पावर को व्हील तक ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिशन एंड ट्रांसमिशन सिस्टम। इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं आपको बता दूं कि ट्रांसमिशन जो है वो गियर बॉक्स को ही बोलते हैं। ट्रांसमिशन का दूसरा नाम गियर बॉक्स है, जबकि और ट्रांसमिशन का यूज़ हम लोग इंजन में स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, जबकि ट्रांसमिशन सिस्टम का यूज़ हम लोग व्हीकल्स में इंजन का पावर को व्हील तक ले जाने के लिए करते हैं। तो उस पूरे सिस्टम को हम लोग ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फ्लाई व्हील। तो फ्लाई व्हील एक डिवाइस है जो कि इंजन में होता है, और उसका काम है एक्स्ट्रा पावर को एब्जॉर्ब करके अपने में रखना, ताकि जब भी इंजन को इंजन में जब पावर का कमी हो तो दोबारा से उस पावर को, स्टोर किया हुआ पावर को रिलीज़ कर सके, और जब इंजन में ज़्यादा पावर, एक्सेस पावर हो जाए तो उसको एब्जॉर्ब करके रख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्लच। क्लच का क्या काम है और क्लच होता क्या है? तो क्लच एक डिवाइस है जो कि पावर को इंगेज और डिसइंगेज करने के लिए व्हीकल्स में लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्किंग ऑफ कुजन स्प्रिंग। मैं आपको बता दूं फ्रेंड, कुजन स्प्रिंग जो है वो क्लच का ही एक पार्ट्स है जो कि फ्रिक्शन प्लेट में लगा होता है, और उस कुजन स्प्रिंग का काम होता है वाइब्रेशन जो क्रिएट होता है, और घूमने की वजह से जो वाइब्रेशन वहाँ पे क्रिएट हो रहा है उस वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग कुजन स्प्रिंग को लगा के रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ गियर बॉक्स। गियर बॉक्स का एक नाम अभी और मैंने आपको बताया था ट्रांसमिशन, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गियर बॉक्स क्या है। तो गियर बॉक्स एक डिवाइस है जो कि व्हीकल्स में हम लोग यूज़ करते हैं, और जिसका उपयोग व्हीकल्स का टॉर्क और स्पीड को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टेंट मेस गियर बॉक्स, सिंक्रोमेस गियर बॉक्स एंड स्लाइडिंग मेस गियर बॉक्स। तो ये तीनों का तो वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, लेकिन जो बेसिकली मेन डिफरेंस होते हैं वो मैं आपको बता दूं कि स्लाइडिंग मेस गियर बॉक्स में जो भी स्लाइडिंग मेस गियर बॉक्स में सारे गियर एक दूसरे से मेस नहीं होते हैं, सारे गियर एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं। जब हम गियर को घटाते या बढ़ाते हैं तब जाके वो गियर इंगेज और डिसइंगेज होते हैं, जबकि कांस्टेंट मेस गियर बॉक्स और सिंक्रोमेस गियर बॉक्स में ऐसा नहीं होता है। इन दोनों गियर बॉक्स में सारे गियर बॉक्स एक दूसरे से ऑलरेडी पहले से ही अटैच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यूनिवर्सल ज्वाइंट। यूनिवर्सल ज्वाइंट बता दूं मैं फ्रेंड्स आपका कि ये जो है वो ट्रांसमिशन सिस्टम में यूज़ होता है, और ये प्रोपेलर शाफ्ट से जुड़ा होता है, और इसका काम है, और ये जो है वो प्रोपेलर शाफ्ट को डैमेज से बचाता है, एंगल का वेरिएशन की वजह से जो डैमेज हो सकता है उसको उससे बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स व्हाट इज स्लिप जॉइंट। स्लिप जॉइंट किसे कहते हैं? तो स्लिप जॉइंट फ्रेंड्स ये भी जो है वो प्रोपेलर शाफ्ट में यूज़
करते हैं हम लोग, और लेंथ में वेरिएशन होने की वजह से डैमेज हो सकता है प्रोपेलर शाफ्ट, उसी को ये रोकता है। क्योंकि स्लिप जॉइंट का ये खासियत होता है कि जब लेंथ बढ़ेगा तो वो एक्सटेंड होता है, और जब लेंथ जो है घटेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोपेलर शाफ्ट? तो प्रोपेलर शाफ्ट एक डिवाइस है फ्रेंड, जो कि व्हीकल्स में यूज होता है, और इसका काम है गियर बॉक्स का एनर्जी को डिफरेंशियल तक ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई प्रोपेलर शाफ्ट इज हॉलो? प्रोपेलर शाफ्ट खोखला क्यों होता है? तो इसका फ्रेंड्स दो रीज़न है। पहला रीज़न ये कि अगर प्रोपेलर शाफ्ट हॉलो नहीं होगा, वो पूरा सॉलिड होगा, तब उस केस में अगर प्रोपेलर शाफ्ट डैमेज होता है, टेढ़ा होता है या बेंड हो जाता है, तो उस केस में हमारा इंजन का जो पावर लॉस है वो बहुत ज़्यादा होने लगेगा और व्हीकल्स नहीं चल पाएगा हमारा। जबकि हॉलो में ऐसा नहीं होता है, अगर हॉलो प्रोपेलर शाफ्ट है, जो कि होता है, और अगर वो डैमेज हो गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, वो उसमें जो है पावर लॉस नहीं होता है, उसका कुछ पावर लॉस होता है कुछ परसेंटेज में, बाकी पावर आराम से जैसे पहले जा रही थी वैसे जाते रहती है। दूसरा रीज़न है फ्रेंड्स कि अगर प्रोपेलर शाफ्ट पूरा फुल्ली सॉलिड होगा, तो पूरा सॉलिड होने की वजह से क्या होगा कि उसका वेट जो है बढ़ जाएगा प्रोपेलर शाफ्ट का, और वेट की वजह से मेरा इंजन का पावर लॉस ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा हैवी वस्तु को घुमाने के लिए इंजन को ज़्यादा पावर लगाना पड़ेगा। जबकि प्रोपेलर शाफ्ट हॉलो होने के कारण प्रोपेलर शाफ्ट का वेट जो है, वजन जो है, वो भी कम होता है, जिसकी वजह से पावर वहाँ पे भी मेरा बचता है। तो यही दोनों कारण हैं जिसकी वजह से प्रोपेलर शाफ्ट हॉलो होते हैं, खोखला होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंशियल? डिफरेंशियल क्या है? तो डिफरेंशियल फ्रेंड एक गियर है, गियर का सेट है जिसका उपयोग है पावर को डिवाइड करना लेफ्ट व्हील और राइट व्हील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्ट्रोक लेंथ? स्ट्रोक लेंथ क्या होता है? तो इसका जवाब है, पिस्टन स्ट्रोक लेंथ क्या होता है? तो इसका जवाब है फ्रेंड्स, आप दे सकते हैं कि TDC से लेके BDC तक के बीच का दूरी को हम लोग स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक? 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में क्या अंतर है? तो इसमें तो वैसे बेसिकली बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूं कि 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि 2 ही स्ट्रोक में चारों प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। जबकि 4 स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक में चारों प्रोसेस कंप्लीट होते हैं। मतलब एक बार पिस्टन TDC से BDC आया तो सक्शन कंप्लीट हुआ, फिर BDC से TDC गया, कंप्रेसर कंप्लीट हुआ, फिर TDC से BDC आया तो पावर कंप्लीट हुआ, उसके बाद फिर BDC से TDC गया तो एग्जॉस्ट कंप्लीट हुआ। लेकिन 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि एक बार पिस्टन जो है वो नीचे से ऊपर गया तो सक्शन और कंप्रेशन हो जाता है, और दूसरा बार जब पिस्टन ऊपर से नीचे आता है तो पावर और एग्जॉस्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ CC, CC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CC का फुल फॉर्म क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ BS6 का फुल फॉर्म क्या होता है? तो BS6 का फुल फॉर्म भारत स्टेज 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल सम चेंजिंग अकर इन BS6। ये पूछ रहा है कि BS6 में क्या क्या चेंजिंग हुआ, कुछ चेंजिंग को एक्सप्लेन करने बोल रहा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बोल सकते हैं कि पहला जो है वो कैटेलाइटिक कन्वर्टर को इम्प्लीमेंट किया गया एग्जॉस्ट सिस्टम में, दूसरा पॉजिटिव क्रैंकेज वेंटिलेशन को लाया गया, तीसरा EGR लाया गया। दैट्स एनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज चारकोल कैनिस्टर? चारकोल कैनिस्टर क्या है? तो व्हीकल्स में फ्रेंड्स एक
डिवाइस है ये, चारकोल कैनिस्टर एक डिवाइस है जिसका काम होता है लिक्विड फॉर्म को, सॉरी गैस फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना। चारकोल कैनिस्टर मान के चलिए लगा हुआ है व्हीकल्स में, और उस व्हीकल्स में पेट्रोल जो है वो लिक्विड में था शुरू में, और वो गैस में परिवर्तित हो गया। तब वो गैस फॉर्म जो है वो चारकोल कैनिस्टर में जाता है, और चारकोल कैनिस्टर उसको दोबारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और कन्वर्ट करने के बाद उसको इनलेट मैनिफोल्ड में भेज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कैटेलाइटिक कन्वर्टर? तो कैटेलाइटिक कन्वर्टर भी एक तरह का पोल्यूशन को कम करने का एक डिवाइस है, जो कि एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट सिस्टम में लगा रहता है, एमिशन सिस्टम में लगा रहता है। इसका काम है जो टॉक्सिक गैस है, जो एग्जॉस्ट गैस के साथ निकल रहा है मेरा, उस टॉक्सिक गैस को नॉन टॉक्सिक गैस में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस प्रेजेंट इन एग्जॉस्ट गैस। आपको बताना है कि कौन से गैस प्रेजेंट होते हैं एग्जॉस्ट गैस में। तो जनरली कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसे गैस उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिटिव क्रैंकेज वेंटिलेशन। पॉजिटिव क्रैंकेज वेंटिलेशन क्या होता है? तो फ्रेंड्स, पॉजिटिव क्रैंकेज वेंटिलेशन जो है, इसमें क्या होता है, जो ब्लो बाय गैस किसको कहते हैं? तो ब्लो बाय गैस उसको कहते हैं जो कंबसन के दौरान जो गैस फॉर्म में जो मेरा फ्यूल है वो लीक होके सिलेंडर से जो क्रैंकेस में आ जाता है, उसी को हम लोग ब्लो बाय गैस कहते हैं। और वो ब्लो बाय गैस जो है वो पहले क्या था कि पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन नहीं था तो उसमें बर्बाद हो जाता था, लेकिन अब जो है वो वेस्ट नहीं होता है, वो दोबारा से क्या होता है कि वो जो गैस है वो इनलेट मैनिफोल्ड में चला जाता है, तो इसी को बोलते हैं पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस प्रेजेंट इन, सॉरी ये तो हो गया, व्हाट इज ईजीआर? ईजीआर क्या है? तो ईजीआर का फुल फॉर्म होता है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम। इसमें एग्जॉस्ट गैस जो है उसको दोबारा हम लोग इंजन में भेजते हैं, ताकि इंजन का जो है टेम्परेचर वो कम हो जाए, और इंजन का टेम्परेचर कम होने की वजह से नाइट्रोजन का फॉर्मेशन जो है वो कम हो जाए, जिससे कि हमारा पोल्यूशन कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टीयरिंग? तो स्टीयरिंग एक प्रकार, स्टीयरिंग जो है वो एक पार्ट से व्हीकल का, जो व्हीकल को गाइड करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ट्रेन टेक्स टर्न विदाउट डिफरेंशियल? ट्रेन जो है वो बिना डिफरेंशियल का कैसे टर्न करता है, कैसे घूमता है? हम लोग जानते हैं कि सारे व्हीकल्स में डिफरेंशियल होते हैं, जिसके वजह से गाड़ी को मूव लेफ्ट या राइट हम लोग मोड़ सकते हैं, लेकिन ट्रेन में डिफरेंशियल नहीं होता है, तो वहाँ पे ट्रेन कैसे मुड़ता है? तो इसका जवाब है फ्रेंड्स कि क्योंकि डिफरेंशियल ना होने की वजह से जो ट्रेन का जो व्हील होता है वो कर्व शेप में बनाया जाता है, कर्व शेप में, इंक्लाइंट शेप में बनाया जाता है, जिसके वजह से वहाँ पे डिफरेंशियल का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसका अच्छा से एक्सप्लेनेशन मैं दोबारा लाऊंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज थर्मोस्टेट वाल्व? थर्मोस्टेट वाल्व एक तरह का वाल्व है जिसको हम लोग वाटर कूलिंग सिस्टम में यूज करते हैं इंजन का वर्किंग टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज FHP? FHP का फुल फॉर्म होता है फ्रिक्शन हॉर्स पावर, और इसको फ्रिक्शन हॉर्स पावर और FHP कहते किसको हैं? तो FHP फ्रेंड इंजन के अंदर जो भी फ्रिक्शन हो रहा है, और उस फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन मतलब घर्षण, और उस घर्षण की वजह से जो भी मेरा पावर लॉस हो रहा है उसी पावर को हम लोग फ्रिक्शन हॉर्स पावर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज MPFI सिस्टम? MPFI का फुल फॉर्म मैं सबसे पहले बता दूं कि मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है। अब कहते किसको है? तो MPFI जो है वो एक तरह का फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, जो कि हम पेट्रोल इंजन में यूज करते हैं, इसको हम लोग डीजल इंजन में यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज CRDI? तो CRDI फ्रेंड्स ये भी एक तरह का फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है,
बट इसको हम लोग डीजल इंजन में यूज़ करते हैं, इसको हम लोग पेट्रोल इंजन में यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सस्पेंशन सिस्टम? सस्पेंशन सिस्टम क्या है? सस्पेंशन सिस्टम से हम लोग को स्मूथ, सस्पेंशन सिस्टम के मदद से फ्रेंड्स हम लोग गाड़ी का जो वाइब्रेशन है उसको कंट्रोल करते हैं, ताकि हमें स्मूथ राइड मिल सके और पैसेंजर को कंफर्ट मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइप्स ऑफ स्ट्रोक, स्ट्रोक के कितने टाइप होते हैं? तो आप लोग सबको पता ही होगा स्ट्रोक के चार टाइप्स होते हैं, सक्शन स्ट्रोक, दूसरा कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरा पावर एग्जॉस्ट पावर स्ट्रोक और चौथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो फिर से बता देता हूँ, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंप्रेशन स्ट्रोक? तो जब पिस्टन जो है वो BDC से TDC मूव कर रहा होता है, तब उसके अंदर सिलेंडर के अंदर जो फ्यूल और एयर है वो कंप्रेस्ड होता है, दबता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग कंप्रेशन स्ट्रोक बोलते हैं। दूसरा है, व्हाट इज पावर स्ट्रोक? पावर स्ट्रोक किसको बोलते हैं? तो जब वहाँ पे जब मेरा फ्यूल और एयर जो है वो पूरी तरह से दब गया और वहाँ पे जब कंबसन होता है, तो कंबसन की वजह से ब्लास्टिंग होता है और उस ब्लास्टिंग की वजह से पिस्टन जो है वो TDC से BDC की ओर आगे की ओर बढ़ता है तेजी से, तो इस प्रोसेस को हम लोग पावर स्ट्रोक बोलते हैं। लास्ट है, व्हाट इज एग्जॉस्ट स्ट्रोक? एग्जॉस्ट स्ट्रोक किसे बोलते हैं? तो जब दोबारा से पिस्टन जो है वो BDC से नीचे TDC की ओर मूव कर रहा होता है, तो जो भी जला हुआ गैस उस सिलेंडर के अंदर है वो एग्जॉस्ट वाल्व के तरफ से निकल जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग एग्जॉस्ट स्ट्रोक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ कनेक्टिंग रॉड? कनेक्टिंग रॉड जो होता है उसका शेप क्या होता है? तो इसका शेप फ्रेंड्स आई होता है, आई शेप का होता है कनेक्टिंग रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन का जो टॉर्क है वो सबसे ज़्यादा कब होता है? लो गियर में होता है या हाई गियर में होता है? तो सबसे ज़्यादा टॉर्क मेरा लो गियर में होता है, जैसे जैसे हम लोग गियर को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे टॉर्क मेरा घटते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन का स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो फर्स्ट गियर में होता है या टॉप गियर में होता है? तो इंजन का स्पीड फ्रेंड्स इंजन का सबसे स्पीड टॉप गियर में होता है, जैसे जैसे हम लोग गियर को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इंजन का स्पीड भी बढ़ते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग ऑफ डैम्पर इन सस्पेंशन, सस्पेंशन सिस्टम में डैम्पर का क्या यूज़ है? तो डैम्पर का यूज़ फ्रेंड्स स्प्रिंग इफेक्ट को ख़त्म करना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ टॉर्क रेंच? टॉर्क रेंच का वर्किंग क्या है? टॉर्क रेंच एक टूल्स होता है जिसके मदद से हम लोग सभी बोल्टों को या सभी नटों को एक समान टाइट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर? वर्नियर कैलिपर का क्या काम है? यह एक मेजरमेंट टूल है और इसका यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देता है और इसका यूज़ जो है वो डायमीटर को मेजरमेंट करने के लिए, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, और लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए, थिकनेस को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर? वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है? तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.02 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यूज़ ऑफ माइक्रोमीटर? माइक्रोमीटर भी एक मेजरमेंट टूल है जिसका यूज़ हम लोग एक्यूरेट रिजल्ट के लिए करते हैं और इसका यूज़ हम लोग डायमीटर मेजरमेंट करने के लिए करते हैं, लेंथ मेजरमेंट करने के लिए करते हैं और थिकनेस मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हाइड्रोमीटर? हाइड्रोमीटर भी एक टूल्स है जिसका यूज़ हम लोग बैटरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ ऑफ टैकोमीटर? टैकोमीटर का यूज़ क्यों करते हैं? तो आरपीएम को चेक करने के लिए हम लोग टैकोमीटर का यूज़ करते हैं। टेल मी द नेम ऑफ 10 टूल्स, किसी 10 टूल्स का नाम बताइए। आप आराम से बता सकते हैं कोई भी 10 टूल्स का नाम जो वर्कशॉप में यूज़ होता है, जैसे कि प्लायर, स्क्रू ड्राइवर,
टॉर्क रेंच, हैमर, सर्कली प्लायर, हाइड्रोमीटर, सॉकेट बॉक्स, न्यूमेटिक गन, बैटरी गन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्री प्ले? फ्री प्ले क्लच में भी होता है, फ्री प्ले ब्रेक में भी होता है। तो फ्री प्ले होता क्या है कि जब भी ड्राइवर अपनी सीट पे बैठता है और ब्रेक पे हाथ रखता है या क्लच पे हाथ रखता है, तो थोड़ा सा उस ब्रेक को प्रेस करके रखने का आदत होता है, या थोड़ा सा क्लच को प्रेस करके रखने का आदत होता है। तो इसी के वजह से कंपनी जो है इस तरह से ब्रेक को बनाती है या क्लच को बनाती है कि थोड़ा सा अगर क्लच लीवर दबे या ब्रेक लीवर दबे तो उससे ब्रेक ना काम करे या क्लच काम ना करे। तो उसी उसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं, जितना डिस्टेंस दबाने से क्लच ना काम करे या ब्रेक ना काम करे, उसी डिस्टेंस को हम लोग फ्री प्ले बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्रेक? ब्रेक ब्रेक जो है, ब्रेक का यूज़ हम लोग व्हीकल में फ्रिक्शन क्रिएट करने के लिए करते हैं, जिसकी वजह से ये व्हील जो है वो स्लो होता है और मेरा व्हीकल का मोशन जो है वो भी स्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज फ्यूल इंजेक्टर? फ्यूल इंजेक्टर भी एक इंजन का पार्ट्स होता है, जिसका यूज़ हम लोग फ्यूल को छोटे छोटे कणों में स्प्रे करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पार्क प्लग? स्पार्क प्लग भी इंजन का एक पार्ट्स है, जिसका उपयोग हम लोग स्पार्किंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ एबीएस, एबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एबीएस का फुल फॉर्म एंटी ब्रेकिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सुपर चार्जर? सुपर चार्जर किसको बोलते हैं? तो सुपर चार्जर जो है एक तरह का डिवाइस है, जिसका यूज़ हम लोग एक्स्ट्रा एयर को इनलेट मैनिफोल्ड में भेजने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टर्बो चार्जर? टर्बो चार्जर का भी सेम काम है, एक्स्ट्रा हवा को, एक्स्ट्रा एयर को हम लोग इंजन में भेजने के लिए टर्बो चार्जर या सुपर चार्जर का यूज़ करते हैं। बट दोनों में कुछ कुछ डिफरेंस होते हैं, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉक सेंसर? नॉक सेंसर किसे बोलते हैं? तो नॉक सेंसर सिलेंडर ब्लॉक में लगे होते हैं और ये इंजन में हो रहे आवाज़ों को सेंस करके हम लोगों को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर? क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर जो है वो क्रैंकशाफ्ट का पोजीशन को सेंस करके बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नट? नट किसको बोलते हैं? जिसका इंटरनल थ्रेड हो उसे हम लोग नट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह से है, व्हाट इज बोल्ट? बोल्ट किसे बोलते हैं? जिसका एक्सटर्नल थ्रेड हो उसको हम लोग बोल्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किल प्लायर का काम क्या है? सर्किल प्लायर का काम सर्किल ब्लॉक को खोलने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्किल प्लायर। इंटरनल और एक्सटर्नल सर्किल प्लायर का यूज़ क्यों करते हैं? इंटरनल सर्किल ब्लॉक को खोलने के लिए इंटरनल सर्किल प्लायर का यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल सर्किल ब्लॉक को खोलने के लिए एक्सटर्नल सर्किल प्लायर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह माइक्रोमीटर का यूज़ हम लोग स्केल की जगह क्यों कर सकते हैं? एक एक लेंथ है जिसका मेजरमेंट हम लोग माइक्रोमीटर से भी कर सकते हैं, लेकिन और स्केल से भी कर सकते हैं, लेकिन स्केल की जगह हम लोग माइक्रोमीटर का यूज़ क्यों करते हैं? तो इसका आंसर है, क्योंकि माइक्रोमीटर जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट देता है, उसमें एरर नहीं होता है, इसी की वजह से हम लोग माइक्रोमीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पिस्टन रिंग कंप्रेसर? पिस्टन रिंग कंप्रेसर फ्रेंड्स एक टूल्स होता है, जिसका यूज़ हम लोग करते हैं पिस्टन का जो रिंग है, ऑयल कंट्रोल रिंग और कंप्रेशन रिंग दोनों को दबाने के लिए करते हैं, ताकि हम लोग आसानी से पिस्टन को इंजन सिलेंडर के अंदर इंसर्ट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टन रिंग एक्सपेंडर किसको बोलते हैं? तो पिस्टन रिंग एक्सपेंडर फ्रेंड्स हम लोग उस टूल्स को बोलते हैं जिसका मदद हम लोग रिंग, ऑयल कंट्रोल रिंग और कंप्रेशन रिंग को खोलने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रोकर आर्म? रोकर आर्म किसे बोलते हैं? तो रोकर आर्म एक पार्ट है इंजन का, जो जो कैमशाफ्ट का पावर को वाल्व तक पहुंचाता है, जिसके वजह से वाल्व खुलता और बंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज व्हील सिलेंडर? व्हील सिलेंडर एक तरह का सिलेंडर ही है जो कि ब्रेक सिस्टम में लगा रहता है, व्हील में, ब्रेक ड्रम में लगा होता है। और इसका काम है जब इस पर फ्लूड आता है बीच में, तो ये दोनों तरफ से फैलता है, और फैलने की वजह से क्या होता है, ब्रेक शू भी फैलता है, और ब्रेक शू फैलने की वजह से व्हील में फ्रिक्शन क्रिएट होता है और मेरा व्हीकल का मोशन स्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अल्टरनेटर? अल्टरनेटर क्या है? अल्टरनेटर एक डिवाइस है जो कि हम लोग व्हीकल्स में यूज़ करते हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टार्टर मोटर? स्टार्टर मोटर क्या है? तो स्टार्टर मोटर जो है वो इग्निशन सिस्टम में यूज होता है, इसको हम लोग सेल्फ के नाम से भी जानते हैं, और इसका यूज़ हम लोग इंजन को स्टार्ट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ SI एंड CI इंजन? SI इंजन और CI इंजन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SI का फुल फॉर्म होता है स्पार्क इग्निशन सिस्टम इंजन, सॉरी, एंड CI का फुल फॉर्म होता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेंसर? सेंसर जो है वो सेंसर की मदद से हम लोग किसी भी चीज़ को सेंस कर सकते हैं। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, व्हाट इज एक्चुएटर? एक्चुएटर के मदद से हम लोग किसी भी कार्य को एक्चुएट कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइए, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।